आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर प्रशासन की वक्र दृष्टि। वृद्ध और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध दर्ज हुई FIR। कलेक्टर सी के निर्देशन में देर रात संपन्न हुई छापामारी और गिरफ्तारी की कार्यवाही। कलेक्टर सी की नागरिकों से अपील है कि अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकारों से ना करें कोई लेन देन। नमस्कार, मैं हूं निर्मला वैष्णानिया और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए इंदौर जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैधानिक रूप से इन्वेस्टमेंट के लिए चलाई जा रही फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनियों पर प्रशासन की कड़ी कार्यवाही करेगा। कलेक्टर सिंह के निर्देशन पर एडिशनल SP राजेश रघुवंशी तथा SDM अंशुल खरे की अगुवाई में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कल देर रात ऐसी ही धोखाधड़ी के एक प्रकरण में छापामार कार्यवाही की और आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही संपन्न कराई गई। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस इंदौर के टेलीफोन नगर निवासी 66 वर्षीय वृद्ध एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह को दी गई लिखित शिकायत में बताया गया कि इंदौर में स्टाफ ब्रोकिंग कंपनी को चला रहे अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सलाहकार पंकज पांचाल एवं शुभम भावसार द्वारा उनके साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कूटरचित तरीके से लगभग 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। कलेक्टर सी के निर्देशन में SDM अंशुल खरे द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच की गयी, जिसमें पाया गया कि पंकज पांचाल एवं शुभम भावसार अनैतिक रूप से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। उक्त दोनों आरोपी सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उनके द्वारा सेबी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का पालन किया जा रहा है। दोनों आरोपियों ने पीड़ित के साथ जालजासी करके उनकी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त धन को दुगुना करने का झांसा देकर पैसे की धोखाधड़ी की। पीड़ित का डीमैट अकाउंट खुलवाकर खुद ही उसे ऑपरेट किया, जो निकी नियमों के विरुद्ध है। सेबी की पकड़ से बचने के लिए आरोपियों द्वारा वेबसाइट का निर्माण ना करते हुए व्यक्तिगत रूप से निवेशकों को ढूंढकर निवेशकों के साथ ठगी की जा रही है। जांच में पाए गए इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ASP राजेश रघुवंशी एवं SDM अंशुल खरे द्वारा कल देर रात उक्त दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके विरुद्ध कनाडिया थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 409 के तहत FIR दर्ज कराई गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने समस्त जिलावासियों से अपील की कि किसी भी अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सलाहकार के जासे में ना आए। इन्वेस्टमेंट सलाहकार का सेबी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, साथ ही सेबी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरूप कस्टमर की फाइल संधारण करना, कर्मचारियों का KYC, रिस्क असेसमेंट एवं सूटेबिलिटी असेसमेंट जैसे घटकों का पालन करना आवश्यक है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद को बिना किसी प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बताया जाता है तो उस पर विश्वास ना करें और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। कलेक्टर सिंह ने जिले में अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट सलाहकारों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। लगातार खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।